व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इट्स अ फिफ्थ ब्लॉग। सो इस वाले ब्लॉग में, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा, इस वाले ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ तुगलकाबाद फोर्ट को। एंड यहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ का टिकट का प्राइस क्या रहने वाला है, टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या रहने वाला है, एंड कपल्स के लिए बेस्ट लोकेशन है या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ के बारे में देने वाला हूँ। चलिए इस ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोकेशन के बारे में। सो यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है गोविंदपुरी। गोविंदपुरी से जैसे आप एग्जिट लोगे, वहाँ से आपको कैब या फिर ऑटो बुक करके आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आने का कोई भी कन्वेंस है नहीं। सो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के टिकट प्राइस के बारे में। सो यहाँ का जो टिकट का प्राइस है, अगर आप काउंटर से लोगे, ऑफलाइन लोगे, तो वो पड़ेगा 25 रुपये का। एंड अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो उसी के पास में, टिकट काउंटर के पास में आपको एक बारकोड देखने को मिल जाता है। उस बारकोड से आप टिकट बुक करोगे तो वो पड़ेगा आपको 20 रुपये का। एंड अगर आप अंदर की साइड में कैमरा लेके जाना चाहते हो तो उसका टिकट का प्राइस है 25 रुपये का, मतलब कैमरे का चार्ज है 25 रुपये का। एंड यहाँ का कोई भी वीकली ऑफ नहीं है। सो बात अगर यहाँ के टाइमिंग्स के बारे में की जाए, तो यहाँ की जो टाइमिंग्स है वो है मॉर्निंग में 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम के इवनिंग के 5 बजे तक ही ओपन रहता है तुगलकाबाद फोर्ट। सो बात अगर पार्किंग के बारे में करें, तो पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कम्प्लीटली यहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, DM करके वहाँ पर पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए एक्सप्लोर करते हैं तुगलकाबाद फोर्ट को। सो ये है तुगलकाबाद फोर्ट की एंट्रेंस, इस साइड से आपकी एंट्री होगी। चलिए एंट्री करते हैं अब। जस्ट एंट्रेंस के बाद ही आपको ये देखने को मिलता है इस तरीके का नज़ारा, देख रहे हो, मतलब कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, पीसफुल नज़ारा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। सो जिस पीछे की साइड से मैंने एंट्री कर दी, और एंट्री के बाद ही इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, मज़ा आ गया लिटरली। मैं आपको दिखाता हूँ, आप फोटो शूट करना चाहते हो तो फोटो शूट भी कर सकते हो, जैसे कि आप सामने की साइड में देख रहे हो, फोटो शूट भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और अब मैं आपको यहाँ का एक और बेस्ट व्यू दिखाता हूँ, जहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा शानदार नजारा देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे की साइड में जाएंगे, एंड आगे की साइड में आने के बाद ये वाला व्यू देखो, कितना अमेजिंग व्यू है, काफी ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ से फोटो शूट बहुत बेस्ट किया सकता है। सो इस साइड से आने के बाद सबसे पहले हम राइट साइड में जाते हैं। इस साइड कवर करता हूँ मैं, इस साइड का आपको दिखाता हूँ किस साइड में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ से चलते हैं आगे और देखो, रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, फुल नेचर वाली वाइब्स आ रही है, अमेजिंग नज़ारा हो रहा है पूरा। एंड यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है कपल्स के लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन, और यहाँ से पूरा व्यू, वाव। सो इस तरीके से पूरा व्यू है इनका। सो ये वो पूरी केव है जो कि मैंने आपको दिखाई थी अंदर की साइड से, कपल्स के लिए काफ़ी बेस्ट है ये। चारों ही साइड में यहाँ पे कपल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं किसी की प्राइवेसी लीक करने वाला नहीं हूँ। सो मैं आपको दूर से ही दिखा दूंगा कि कपल्स भी यहाँ पर आते हैं, और कपल्स के लिए बेस्ट लोकेशन है। एंड चारों ही साइड में आपको तुगलकाबाद फोर्ट देखने को मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का इसका नज़ारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, नेचर वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एंड कपल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लोकेशन है, जैसे कि आप देख रहे हो कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की साइड में, टॉप पर चलते हैं, वहां से मैं आपको नजारा दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है वहां से देखने में। अभी मैं एक बार आ गया तो दोबारा चलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऊपर की साइड का व्यू था, काफी अमेजिंग व्यू आ रहा था। अब मैं आपको दूसरी साइड लेकर चलता हूँ, वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। एंड अंदर की साइड में ना आपको कुछ इस तरीके से देखो, छोटी छोटी ये फिर दीवारें हैं, ये आपको चारों ही साइड में देखने को मिलने वाली है। और आगे की साइड में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो इस तरीके से है। चलिए चलते हैं आगे साइड में, वहां से आपको दिखाता हूँ व्यू। बट उससे पहले मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का व्यू है। यहाँ से जस्ट निकलेंगे ना, जैसे ही सब पूरी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड ये देखो, वाओ क्या ही व्यू आ रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ से अब आगे, और आगे आने के बाद देखो सामने भी कपल्स हैं जो कि आप देख रहे हो,
एंड इसी के पास में यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा। एंड गाइस लिटरली यहाँ से बैक साइड का व्यू देखो यार, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। चारों ही साइड में ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है। सो अब चलते हैं इस साइड में, यहाँ से व्यू दिखाता हूँ क्योंकि इस साइड में भी कपल्स देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं इस साइड में और देखो एक ये वाला पूरा व्यू है, यहाँ से भी पूरा व्यू देखने को मिलेगा और एक ये वाला है, काफ़ी बेस्ट लग रहा है, उस पर चलता हूँ सबसे पहले मैं। सो यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ कुआ है, यहाँ पर काफ़ी गहरा है इस तरीके से। चलिए चलते हैं यहाँ से अब टॉप पर। सो यहाँ से अब हम आ चुके हैं यहाँ के टॉप पर एंड यहाँ से वाओ क्या ही व्यू आ रहा है। सो ये देखो ये पूरा नज़ारा है एंड नीचे की साइड में भी कपल्स हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है पूरी साइड में, चारों साइड में ग्रीनरी है, नेचर वाली वाइब्स आ रही हैं। चलिए यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। ओ भाई एंड यहाँ से अब चलो निकल ले लेते हैं, इस तरीके से चलते हैं एंड सीधे की साइड में हम जैसे जाते हैं सबसे पहले ये वाला नज़ारा आपको देखने को मिलता है जो कि इस साइड में भी अभी कपल्स थे। सो जैसे ही वो गए हैं उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता मैं। एंड इसी के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में कुछ इस तरीके का भी नज़ारा है, सामने भी कपल्स बैठे हुए हैं। सो जैसे ही आप इस साइड में आगे की साइड में आओगे सो आपको ये वाला देखो गेट बंद देखने को मिलता है। ये इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि आगे है तालाब और तालाब के पास में वहाँ पर कुछ नशेड़ी भी हैं जो कि नशा करते हैं और पैसे, फ़ोन, आपके पास जो भी होगा वो छीन सकते हैं। सो मैंने वहाँ पर गार्ड से भी पूछा तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर ना ही जाओ तो बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर नशेड़ी लोग रहा करते हैं। सो अगर आप यहाँ पर आते हो तो वहाँ पर ना ही जाओ तभी अच्छा रहेगा। सो ऊपर की साइड में जाने का रास्ता है, ऊपर चलते हैं, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ से जैसे ही हम आते हैं तो देखो ये यहाँ की टॉप साइड की रूफ है, छत है मतलब। इस साइड का तो एरिया मैंने आपको दिखा दिया जो कि कपल्स के लिए काफ़ी बेस्ट था एंड इस साइड में यहाँ पर फोर्ट भी है उसी का, उसी टिकट में आप यहाँ पर जा सकते हो जो कि टिकट काउंटर के जस्ट सामने की साइड में आपको देखने को मिलता है। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके का व्यू है फोर्ट की तरफ जाने के लिए एंड जाते जाते यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं, तो अगर आप खाने का सामान ला रहे हो तो अच्छे तरीके से संभाल के रखना, देख रहे हो इस तरीके से। तो ये यहाँ से हम जैसे आगे की साइड में चलते हैं और यहाँ से आते ही यहाँ पर है मेन एंट्रेंस, एंट्री करते हैं अब। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गयासुद्दीन का मकबरा, यहाँ के बारे में हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इसको पढ़ लेना, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा 1328 के स्वयं उसी के द्वारा बनाया गया था। यह मकबरा एक परिधिति जगह पर स्थित है जो चारों तरफ से जलाशय द्वारा घिरा था एंड सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ लेना। अगर हम गयासुद्दीन के मकबरे के अंदर की साइड में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलती है हमें तीन कब्र, इस तरीके से कुछ यहाँ पर कब्र देखने को मिलने वाली हैं और काफ़ी बड़े स्पेस में बना रखा है। ऊपर की साइड में देख रहे हो कितनी हाइट है इसकी, आपको देखने में मतलब वीडियो में कम लग रहा होगा बट बहुत ही ज़्यादा हाइट है इसकी। दैट्स इट फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जैसे कि आपने देखा कपल्स के लिए भी काफ़ी बेस्ट लोकेशन थी, फोटोशूट भी हो रहा था, फ्रेंड्स भी आ रहे थे, सभी यहाँ पर आ सकते हैं। सो इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।